हेलो एवरीवन, मैं हूँ बेबी। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो जल्दी से ही फटाफट बन जाएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो घर में ही सबके पास होते हैं। और गाजर का हलवा तो सबका फेवरेट होता है, सर्दियों में हमें कई बार बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गाजर लिए हैं दोस्तों। इनको पहले से ही अच्छे से छील लिया है, धो लिया है और आगे और पीछे का पार्ट इनका कट कर दिया है। और दोस्तों, सब्जियों को हमेशा ही बहते हुए पानी में धोएं थोड़ी देर के लिए, उससे सब्जियाँ हमारी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। ये यहाँ पर मैं कद्दूकस ले रही हूँ। आप चाहें तो मोटी तरफ से भी कर सकते हैं, पतली तरफ से भी। मैं यहाँ पर मोटी तरफ से करूँगी। और हाँ दोस्तों, एक टिप्स, हमेशा ही आप गाजर को पतली तरफ से कद्दूकस ना करें, मोटी तरफ से करें, क्योंकि बाद में लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बच जाता है, उसको हम सलाद वगैरह में या सब्ज़ी में यूज कर सकते हैं। अभी इनमें काफ़ी ज़्यादा पीला येलो वाला पार्ट आ रहा है, अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको निकाल भी सकते हैं चाकू वगैरह से, या साइड से भी घिस सकते हैं। अब हम इनको सबसे पहले, बस ज़्यादा हार्ड काम जो है इनको कद्दूकस करना ही है, और तो हमारा हलवा फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा बस। ये हमारी सारी गाजर कद्दूकस हो गई हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा पीला पार्ट था, कुछ ज़्यादा ही, तो मैंने ये साइड पर निकाल दिया है खूब सारा। देखिए थोड़ा सा इसमें भी येलो येलो आ गया है, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा निकालने की कोशिश करी है। इनमें से बस हम ये रेड वाला पार्ट यूज कर लेंगे सलाद वगैरह में और बाकी का फेंक देंगे। ये मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, इसको बस हम घी से ग्रीस करेंगे। 1 टीस्पून घी का यूज करूँगी मैं। इसमें हम बहुत कम घी का यूज करते हुए हलवा बनाएंगे दोस्तों। कई लोग तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घी यूज करके हलवा बनाते हैं, मेरे यहाँ पर घी का कम यूज किया जाता है। इसमें खोआ वगैरह और दूध का यूज किया जाता है। मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप हलवा बनाएंगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रहेंगे। इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ ताकि ये घी हमारा पूरे कुकर में फैल जाए। बस ये मैं इसलिए डाला है मैंने ये घी इसमें, ताकि हमारी गाजर नीचे लगे ना। इसमें हम 1 सीटी तक इनको उबालेंगे अभी इसमें भर के। इस तरह से पूरे कुकर को ग्रीस कर लें बस। अब इसमें हम अपनी ये सारी गाजर भर देंगे और इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अंदर से चिकना कर लिया है कुकर को, नीचे भी नहीं लगेंगी। या तो आप 5 मिनट तक के लिए उबालिए इनको ऐसे इस तरह से बंद करके, और नहीं तो 2 सीटी भी लगा सकते हैं आप इसमें बस। और इसको दोस्तों फुल फ्लेम पे ही गैस पे रखना है बस इसी तरह से। ये यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है, बस अब फुल फ्लेम पे हम इसको लगभग 2 सीटी तक उबालेंगे। अब ये यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है दोस्तों। अब इसका हम पूरा जो हवा है कुकर के अंदर इस तरह से निकाल देंगे, नहीं तो हमारी गाजर थोड़ी पनीली टाइप हो जाएगी, बोलते हैं जैसे पानी पानी भर जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये टिप्स नंबर 2 है कि आपको तुरंत इसका गैस निकालना है। ये यहाँ पर फुल क्रीम दूध ले रही हूँ दोस्तों मैं 1 किलो। हमारी वो गाजर भी 1 किलो ही रही होंगी, क्योंकि उसमें से काफ़ी ज़्यादा पीला पार्ट निकल गया था। और हाँ दोस्तों, जब भी गाजर का हलवा बनाएं उसके लिए आप फुल क्रीम दूध का ही यूज करें। अब हम अपनी सारी गाजर इसमें ऐड कर देंगे। कई लोग तो इनमें से ठंडा करके पानी निचोड़ देते हैं, लेकिन उसके पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम पूरा इसको इसमें ऐड करेंगे बस। कई लोग कहते हैं कि इस तरह से दूध में गाजर पकाने से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। मैं आपको दिखाऊंगी कितने समय में हमारा गाजर का हलवा फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। हम इसको फुल फ्लेम पे ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी गाजर आधे तक पक चुकी हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कढ़ाई भारी तले की होनी चाहिए और बीच बीच में चलाते रहें। ये मेरे पास मेरे कल वाले दूध की मलाई है, बस मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, अभी 2:15 हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी हमारा हलवा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा फटाफट से। इसको इसी तरह से बराबर चलाते हुए पकाना है दोस्तों। इसकी जगह पे हम इस पलटने का यूज करेंगे, क्योंकि इससे कढ़ाई में हमारी में नीचे लगेगा भी नहीं और अच्छे से चला पाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। आप आसपास रहते हुए दूसरे भी कोई काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके पास बैठकर ही एकदम बनाएं। बस आसपास रहें, कुछ और जैसे सब्जी काटना या कुछ और भी काम कर सकते हैं छोटे मोटे।
दोस्तों हमारा ये हलवा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर आप चाहें तो इसको हफ्ता भर तक भी रख सकते हैं किसी बंद कंटेनर में, फ्रिज में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि घर में हम शुद्धता के साथ बनाते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा मावा वगैरह यूज करते हैं इसमें और ताज़ा ही दूध यूज करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आलस मत करिए, प्लीज़ सर्दियों में घर ही हलवा बनाइए, मैं तो आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी। दोस्तों ट्रिक नंबर 3, जब तक भी इसमें एक भी बबल्स रहे तब तक हमें इसमें चीनी ऐड नहीं करनी है, नहीं तो इसका चीड़ा टेक्सचर हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। बस इस समय पे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते रहें ताकि नीचे न लग जाए। तो दोस्तों ये मेरे पास 300 ग्राम खोआ है, ये ट्रिक नंबर 4 है। दोस्तों आप जब भी इसका गाजर का हलवा बनाएं पहले से थोड़ा सा खोआ ज़रूर ऐड करें, इसमें खोआ ऐड करने से इसका अलग ही एकदम टेक्सचर आता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है। अगर आप पूरा ही चाहते तो हम 2.5-3 किलो दूध रख के उसमें भी इस तरह से कर सकते थे, लेकिन ऐसे बनाने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है हलवा। एक बार आप मेरे तरीके से बना कर देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा बनेगा, इससे काफ़ी दानेदार सा हलवा बनेगा हमारा। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर 300 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 किलो गाजर के हलवे में लगभग 300 ग्राम चीनी लगती है, और आप अपनी पसंद से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मीठा। कई लोग इसमें दोस्तों इलायची वगैरह का फ्लेवर भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, वो सब मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। अगर आप चाहें तो केसर वगैरह भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये पानी रिलीज करेगी चीनी, थोड़ा सा पानी जैसा हो जाएगा ये गीला, बस इसको बिल्कुल इसी तरह से चलाते हुए एकदम सूखा कर लेना है। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, इसको चलाते चलाते इसी तरह से पास रह कर ही। देखिए अब हमारा हलवा एकदम सूख गया है, घी जैसे छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। अब इसको हम साइड वाले गैस पे रखेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका पानी एकदम पूरा सूख जाना चाहिए एकदम बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, जब भी आप यदि आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं, इस तरह से ऐसे काट कर डायरेक्ट ऐड ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इनको हल्का सा, बस हम 1 टेबल स्पून घी का भी यूज़ करेंगे उसमें, हम हलवे में घी नहीं डालेंगे। इनको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे एकदम धीमी आँच पर। ये यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून से भी कम घी का यूज कर रही हूँ। बस हमने पूरा हलवा बनाने में लगभग 1 टेबल स्पून घी का ही यूज़ किया है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको मेल्ट होने देंगे पहले, और इसमें भी बराबर चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। ऐसे रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डालने से बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार ड्राई फ्रूट्स का पता ही नहीं चलता जब हम खाते हैं, अगर हम रोस्ट करके डालते हैं तो उनकी क्रंचीनेस सी बनी रहती है और बहुत अच्छा सा कलर भी रहता है हमारे हलवे का भी, एकदम चमक सी आ जाती है शाइनिंग सी, और ड्राई फ्रूट्स पे भी। इस तरह से करके देखिए दोस्तों एक बार, और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर आपको नहीं डालने हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, तब आप 1 चम्मच घी ज़रूर डालें हलवे में। बस इनको मैंने 2 मिनट तक के लिए एकदम सीम आँच पे भुना है, इनको बिल्कुल भी हल्का भी सुनहरा नहीं करना है, बस इसी तरह से थोड़ी देर के लिए सेकना है। अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे बस। तो दोस्तों इन 4-5 ट्रिक्स के साथ हलवा बनाएं, आपका हलवा ज़रूर बहुत अच्छा बनेगा। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 5, अब हम इसमें अपना ये इस तरह से हाथ से ही करेंगे इसको, कद्दूकस से नहीं करेंगे। अगर हम कद्दूकस से करके करेंगे तो फिर इसका बिल्कुल भी दाना ही नहीं बनेगा, इसी तरह से हाथ से ही करना है। बस इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे। आप इस हलवे को भले ही 4-5-6 दिन तक भी रखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा और इसका टेस्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा। दोस्तों इस तरीके से ज़रूर बनाइए एक बार हलवा। और हाँ दोस्तों, यदि आज आपने मेरी वीडियो को पहली बार ही क्लिक किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आज आप पहली बार ही मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। बस खोआ डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाया है, बिल्कुल भी ये पानी नहीं छोड़ेगा, इस चीज़ की बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए दोस्तों दिख रहा है ना, एकदम रिच हलवाई जैसा। बस इस ट्रिक के साथ इसी तरह से बनाइए हलवा, और आप देखिए समय भी कितना, 35-36 मिनट हमारे इस हलवे को बनने में लगी हैं, और भी हमने बीच बीच में मैंने और भी काम किए हैं, तब से पास में ही खड़े रहकर मटर वगैरह भी छील लिए। दोस्तों इस तरह से हलवा बनाइए। तो चलिए अब हम अपने हलवे को सर्व करते हैं।
तो दोस्तों हमारा गाजर का हलवा बनकर एकदम तैयार है। देखिए दिख रहा है ना, एकदम हलवाई जैसा आपका भी ऐसे ही बनेगा। बस दोस्तों चार पांच चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो गाजर उबाल कर डालिए, और अगर आप कुकर में उबाल रहे हैं तो उसका तुरंत गैस निकाल दीजिए। और दोस्तों खोए का ज़रूर यूज करिए, और अगर ड्राई फ्रूट का यूज कर रहे हैं तो उनको रोस्ट करके डालिए। और दोस्तों जब पानी बिल्कुल सूख जाए तब ही चीनी ऐड करिए, नहीं तो आपके हलवे का चीड़ा टेक्सचर हो जाएगा। बस इन चार पांच चीज़ों का ध्यान रखिए, और घी कम से कम यूज करिए, तो आपका हलवा भी ऐसा ही बनकर तैयार होगा। और अगर आप चाहें तो इसको 7 से 8 दिन के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, ये एकदम ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।